तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पोको एक्स थ्री प्रो के बारे में। क्या ये 2022 में लेना सही होगा या फिर नहीं, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि पोको एक्स थ्री प्रो ब्लास्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा ये भी रिपोर्ट्स देखने को मिला कि पोको एक्स थ्री प्रो में रेगुलर फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं पबजी में, ठीक है। तो गाइज, इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या 2022 में पोको एक्स थ्री प्रो बाई करना सही एक सही चॉइस है, और क्या पोको एक्स थ्री प्रो में वाकई ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो गाइज, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। पोको एक्स थ्री प्रो भी कुछ ऐसा है। पोको एक्स थ्री प्रो मानो तो एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, बल्कि एंड्रॉयड का सबसे बेस्ट गेमिंग फ़ोन है। बट गाइज, इसके भी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, और आप इसके प्रोज यानी कि अच्छाई और कॉन्स यानी कि बुराई सुनने के बाद खुद डिसाइड कर लेना कि पोको एक्स थ्री प्रो 2022 में बेस्ट है या फिर नहीं है, बेस्ट है या फिर वर्स्ट है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसका प्रोसेसर जो है वो सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर है, और कुछ ही फोन्स में स्पेशली ये प्रोसेसर लॉन्च किया गया था, और ये प्रोसेसर कोई और नहीं बल्कि द मॉन्स्टर स्नैपड्रैगन 860 है, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेसर इजी कैपेबल है 90 FPS गेमिंग कराने में पबजी में, और कॉल ऑफ ड्यूटी में भी वेरी मैक्स ग्राफिक्स चलाने में, और पबजी न्यू स्टेट में 90 FPS इसमें ऑप्शन मिल भी चुका है, ठीक है। तो भाई, प्रोसेसर के मामले में पोको एक्स थ्री प्रो को 20K के रेंज में कोई भी डिवाइस बीट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो प्रोसेसर के मामले में इसका सबसे बड़ा प्रो है। और गाइस, इसकी चार्जिंग भी देख लीजिए, तो इसकी चार्जिंग भी आपको बहुत अच्छा फास्ट चार्जर मिल जाता है विथ 5160 mAh की बैटरी, जो कि नॉर्मल 20K के फोन्स में नहीं मिलती है, ठीक है, अगर उसमें इतना तगड़ा प्रोसेसर लगा हो तो। बट आपको मिल जाती है, और कैमरा भी इसमें आपको बहुत ही नीट एंड क्लियर पिक्चर निकाल देता है। 48 MP का ओरिजिनल कैमरा मिल जाता है, ठीक है। वो नहीं कि मार्केट में लिख दिए 48 MP आ रहा है, 20 MP से भी घटिया क्वालिटी, बट वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर का कैमरा जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। बट गाइस, इसमें कुछ कॉन्स भी है, ठीक है। जैसे पहला कौन तो ये है कि गर्मियों में पोको एक्स थ्री प्रो की तरह कोई हीट होने वाला फोन भी मैंने नहीं देखा है, ठीक है। आंख से भी ज्यादा हीट हो जाता है, मतलब भाई 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है फोन। और लिटरली कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट भी आया था, हो सके तो मैं आपको उसका पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। भाई, उसमें वो बंदे ने लिखा हुआ है कि भाई देखो, मेरा मदरबोर्ड कितना प्रॉब्लम हो चुकी है पोको एक्स थ्री प्रो में, मैंने 9 महीने पहले ये फ़ोन लिया है, उसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया और कंपनी वाले उसको रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। और रीज़न मैंने पूछा तो बोला भाई कुछ नहीं, हीट हो गया गर्मी में और मदरबोर्ड ऑटोमेटिक ख़राब हो गया। तो भाई, पोको एक्स थ्री प्रो का तो सबसे बड़ा कॉन यहाँ पे ये है कि उसका मदरबोर्ड जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, उतने हेवी प्रोसेसर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये इसका सबसे बड़ा कॉन है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कॉन ये है गाइस कि आपको भले ही इसमें तगड़ा प्रोसेसर और बहुत अच्छी गेमिंग मिल जाती है, इसका जो बुलेट है वो रजिस्टर नहीं होता, ठीक है। तो गाइस, तो यही थे पोको एक्स थ्री प्रो के कुछ मेन एंड स्पेशल कॉन्स, जिसके कारण पोको एक्स थ्री प्रो 2022 में आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। प्रोज भी मैंने आपको बता दिए, कॉन्स भी मैंने आपको बता दिया, और रिकमेंडेशन पूछे हुए गाइस। तो देखो, गर्मी का अब 1-2 महीना ही बच गया, जुलाई के बाद से गर्मी डाउन होने लगेगा, और ठंडी के दिन में पोको एक्स थ्री प्रो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के देता है। तो अगर आप 1-2 महीने अभी वेट करके फ़ोन लेने वाले हो तो डेफिनेटली पोको एक्स थ्री प्रो ले लो। और अगर आपके पास थोड़ा और बजट है तो गाइस, IQOO Neo 6 अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। वो बहुत अच्छा फ़ोन है, बट उसका बजट थोड़ा सा हाई है, उसका बजट 30K है। और 20K के अंदर कोई फ़ोन लेना है तो आप पोको एक्स थ्री प्रो ले सकते हो, अगर आपके पास अच्छा कूलिंग सिस्टम या फिर फ़ैन है, ठीक है। बट गर्मी में पोको एक्स थ्री प्रो विदाउट फ़ैन तो बिल्कुल मत खेलना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। तो आज की वीडियो में यही था गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर।